हेलो, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। सो गाइस, आज है 29 अप्रैल मंडे और बज रहे हैं शाम के 6:15। और मैं अपना जो व्लॉग है वो आज शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ घर पर आए थे कुछ मेहमान जो कि हैं अभी भी घर पर ही। और मेहमान कह लो, फैमिली मेम्बर्स कह लो, क्योंकि रिश्ते में वो लगती है मेरी भाभी, और भाभी की बेटी है और भाभी की बेटी का बेटा भी है, और वो फर्स्ट टाइम आई है। मतलब भाभी तो पहले भी आती रही हैं, उनकी बेटी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई है, और जो बेटा है वो तो बहुत ही छोटा है, अभी 3-4 महीने का है मुश्किल से। तो वो लोग आए हैं, दोपहर को आए थे वो लोग। तो जो खाना है वो भी दिन का हमारा बाहर से ही आया था, तो क्योंकि अचानक आए थे तो बनाने को बोल रहे थे तो वो टाइम नहीं दे रहे थे इतना, तो फिर हमने बाज़ार से मंगाया। और छोटा बच्चा था तो फ़ायदा ये हो गया कि वो लोग रुक गए दोपहर में, धूप में गए नहीं। तो बस यही हुआ आज पूरा दिन। अभी मैं पीछे आ गई हूँ गार्डन में यार, तो वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी अंदर, और यू भी डिस्टर्ब हो रही थी अगर मैं ज़्यादा तेज की मैं बोल रही थी। तो आज है मेरी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी, और उनकी शादी को हो गए आज 7 ईयर्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 7 साल हो गए उसकी शादी को, एक छोटी सी बेटी है 4 ईयर्स की, और हैप्पली मैरिड है वो। बहुत अच्छा लगता है ना कि जब इतना अच्छा रिलेशन इतना लंबा चलता है, और उसकी अरेंज मैरिज हुई है। तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत अच्छे हैं। चीटी गर्मियों की यार यही बहुत बेकार दिक्कतें हैं, चीटी बहुत है, और चीटी इस तरीके से भाग रही है तो ऐसा लगता है कि बारिश आएगी, होप कि बारिश आए, क्योंकि चीटियाँ जो कहते हैं ना कि घर चेंज करती हैं अपना, उनको पहले से पहले पता चल जाता है ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे ऐसे कीड़े वीड़े को, कि वो अपना घर चेंज कर लेते हैं। तो बारिश का टाइम क्या पता आ जाए। और बात कर रही थी मैं अपने सिस्टर की वेडिंग की, तो उसकी शादी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए आज कुछ करूं। तो मैं अपने चैनल पर आज उसकी एल्बम शेयर करूँगी और उसकी पूरी यादें ताज़ा कर दूंगी। मैं उसको उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं कुछ इस तरीके का करूंगी, क्योंकि आज उसको वेडिंग रिसेप्शन में जाना है। मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि उसके घर में शादी थी, उसके रिलेटिव के यहाँ, ख़ास रिलेटिव के घर में, तो वेडिंग रिसेप्शन में जाना है उनको। तो ये उसके लिए सरप्राइज़ होगा, क्या पता वो आज देख भी ना पाए मेरी इस वीडियो को, बट मैं अपलोड करूँगी। आप लोग देखना, इंजॉय करना, मुझे भी देखना शादी से पहले की, मेघा को देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। दीपक की इसमें कोई फ़ोटो नहीं है, वीडियो में है वो, लेकिन एल्बम में नहीं है वो, क्योंकि बहुत वो कैमरा शायद थी। मैंने आपको बताया ना, मैं पहले कहती थी उनसे कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तो वो पहले से ऑलरेडी कहते थे, तो मुझको नहीं लेना कैमरे में, और हुआ कुछ ऐसा कि मैं उनको कैमरे में ले ही नहीं पाऊँगी। सो चलिए, आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरी सिस्टर की वेडिंग एल्बम को, और मुझको बताना ज़रूर कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी मेरी सिस्टर की वेडिंग एल्बम, और मैं और वो कितने सिमिलर हैं एक दूसरे से, हमारी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है, और मैं कैसी लग रही हूँ शादी से पहले, और बाकी सारी वेडिंग एल्बम देखते वक्त बातें कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी वेडिंग एल्बम आज। तो ये है मेरी सिस्टर की वेडिंग एल्बम, आप लोग देख सकते हैं, कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। और शादी हुई थी उसकी 29 अप्रैल 2013 को, तो उस हिसाब से हुए 6 ईयर हुए यार। और नीचे लिखा है अंकिता वेड्स मनीष, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये फ्रंट पेज है एल्बम का, तो टर्न करते हैं। तो सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखिए, फर्स्ट फ़ोटो एल्बम की, और अंकिता बेट्स मनीष लिखा हुआ है। तो मेरी जो सिस्टर है उसका जो रियल नेम है वो है अंकिता, और जो नेहा है उसको प्यार से घर में बोलते हैं सारे, और नेहा के नाम से ही जानते हैं, अंकिता के नाम से कोई भी नहीं जानता। तो ये है उसकी फ़ोटोज़, और ये वाली फ़ोटोज़ हमने बड़ी कर कर घर में लगवा रखी है। ये देखिए अगेन कुछ उसी तरीके की फोटो, ये
मेरे जीजू नोएडा में रहते हैं। और इन दोनों की अरेंज मैरिज है। मेरे मम्मी पापा ने पसंद किया था जीजू को मेरी सिस्टर के लिए, और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है अपनी बहन की, उसकी स्माइल, उसका जो लुक बहुत अच्छा लग रहा था मुझको इस फ़ोटो में। और ये कुछ पोज है इस तरीके के हैं, देखिए। मेरी सिस्टर आपको वेलकम कर रही है, तो सभी लोग प्लीज़ वेलकम कीजिए मेरी सिस्टर को, लाइक दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखिए, ये पोज कुछ इस तरीके के पोज है, ये मेरी मम्मी के एल्बम में भी थे, तो मेरी एल्बम में लेकिन नहीं है ये वाले पोज। जो मेरी इस तरफ की एल्बम है ना, उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे पोज हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये कुछ क्लिक्स हैं जो फेरों के लिए जब लेकर आए थे उससे पहले खींचे गए थे, स्टेज पे नहीं लिए, पता नहीं क्यों, यहीं पर लिए थे फेरों के टाइम। और जो मेरी सिस्टर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है हम दोनों में। और ये है शादी की वेन्यू, जो ग्राउंड में आपको दिखाती हूँ, जहाँ पर हम रात को घूमने जाते हैं, या फिर मैं दिखाती हूँ कि यहाँ मेला लगता है या मैच होते हैं, तो वही वाली जगह पे हमने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि हमको बहुत ही इसकी सगाई हुई थी फरवरी में, तो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको कोई भी पैलेस बुक नहीं मिला था, मतलब बुकिंग नहीं मिली थी। और जो गैदरिंग थी इन लोगों की ज़्यादा थी, तो बस अरेंजमेंट किया है यहाँ पे। बहुत ही स्पेशियस था ग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था। ये सैलेड वाली टेबल रहती है, प्लेट्स वगैरह जिस पर रखी रहती है वो है ये। और ये जो हट वाला सिस्टम है, ये फर्स्ट टाइम लगा था मेरी बहन की शादी में, जो हमारा जो एरिया है वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये सिस्टम लगा था। और ये भी देखिए कितनी जगह है, ये सिर्फ खाने खाने की जगह है, और कितनी जगह है। और ये घर हमारा, आप लोग देखते ही हैं मेरी वीडियोस में। और ये मेरी मम्मी, और ये मेरी कज़न सिस्टर, और ये मेरी मम्मी, और ये दिल्ली के कुछ रिलेटिव्स पापा की साइड से, और ये मेरी दीदी की फैमिली। और ये देखिए, ये मेरा स्कूल का स्टाफ है, ये मेरी प्रिंसिपल, ये मेरी जो जूनियर टीचर वो, और ये मेरी सीनियर टीचर थी दोनों। तो इनमें से मैं दो टीचर्स के टच में अभी भी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ किसके। ये मेरी प्रिंसिपल, इनके टच में मैं अभी भी हूँ, और ये मेरी जो हुमा मैम है, इनके भी टच में मैं अभी भी हूँ। और ये मेरी प्रिंसिपल की बेटी, तो प्रिंसिपल जो हमारी बहुत केयरिंग है, लविंग है, बहुत प्यार करती है अभी भी। और ये भी दिल्ली के कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरी मम्मी दिल्ली की रहने वाली है ना। और ये मेरी बुआ, और ये उनके देवर, और ये उनके बच्चे, बेटी और बेटा। इन दोनों की शादी हो चुकी है, बेटी की पहले हुई थी, मेरी शादी के टाइम पे ही हुई थी उसकी भी। और ये कुछ आसपास के लोग, मम्मी पापा और शैंकी भी। ये अगेन ये मम्मी पापा की, सिर्फ ये मम्मी पापा की और शैंकी की। ये भी और ये है मेरे जीजा जी सहरे में। आपको शायद अभी कोई आवाज़ आई होगी, तो कोई आ गया था। और ये द्वार की, जो द्वार पूजा के लिए तैयार खड़े हैं ये लोग। बुआ की बेटी मेरी, इनकी भी शादी हो चुकी है, बेटा है एक। और मम्मी मेरी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं। ये मौसी मेरी, जो उस दिन आई थी घर पर, नहीं पहचान पाओगे यार, सब कमज़ोर हो गए हैं सब लोग, बहुत वीक हो गए सब, मम्मी, बड़ी मम्मी, मौसी, सब लोग टेंशन बहुत।
और कुछ मेरी टेंशन हो गई है सब लोगों को। तो ये जीजू के कुछ रिलेटिव्स हैं साथ में, और ये मेरी मम्मी टीका कर रही है, जीजू का स्वागत कर रही है टीका करके। ये देखिए मीठा खिलाते हुए, और ये हैं जो जिनको टीका कर रही हैं, ये जो हैं मेरी दीदी के नंदोई मतलब जीजा जी की बहन के हस्बैंड, और ये उनके कुछ रिलेटिव्स। कुछ कुछ को मैं जानती हूँ तो कुछ को भूल भी गई हूँ, तो जिनको जानती हूँ उनके बारे में मैं बता दूँगी। उसके बाद आरती होती है, और फिर उसके बाद जो जितने भी लोग करना चाहे कर सकते हैं। बड़ी मम्मी है ये मेरी, मासी, सब लोग करते हैं आरती, मामी मेरी, जिया जी की ये सिंगल पोज, चाची ये है दिल्ली वाली, ये अंबाला वाली चाची मेरी, ये भाभी मेरी, ये भी भाभी, ये पारुल दीदी, ये जो हम सब भाई बहन हैं उनमें सबसे बड़ी हैं ये, और ये भी दीदी हैं, और ये मेरी है कलशा उठाती है छोटी बहन, तो ये मैंने उठाया था मेरी शादी में, मेरी जो फ्रेंड है हुमा उन्होंने उठाया था, तो ये मेरी फ़ोटो है। मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी अपनी जो सिस्टर की शादी में, ये देखिए। तो ऐसे तलवार छुआ के कलशा ले लेते हैं, और बदले में पैसे भी मिले थे मुझको। तो ये है बड़े पापा, जो कहते हैं मिलनी हो रही थी, आई हो रही थी मिलनी। ये मौसा जी मेरे, और वो सॉरी मैं बताना भूल गई, ये पीछे जीजा जी हैं दोनों, ये अरुण जिया जी निधि दीदी के हस्बैंड, नव्या के पापा, और ये चाचा जी अगेन, ये भाई है, ये सन्नी भाई हैं, ये पता नहीं कौन है, ये अन्नू भाई है, भाई बहुत सारे हैं हमारे, और ये अतुल भाई है, ये भी भाई हैं एक, और ये जीजा जी ने मेरी बहन के जो नंदोई है उनको गोदी में उठा लिया था, उनके पतले होने का फ़ायदा उठा लिया था। शादी में यार हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और ये देखिए ये है नव्या, छोटी सी नव्या, कितनी बड़ी हो गई है अब, आप लोगों से मिलवाऊंगी मैं किसी दिन। ये एंट्री करते हुए अंदर की तरफ, और ये मेरी जिया जी की चाची हैं मम्मी के साथ, और ये स्टेज पे जब वो लोग चढ़ गए थे, और ये जिया जी की मम्मी है मेरी, जिया जी हैं, और उनकी सिस्टर, और उनकी जो सिस्टर है उस टाइम प्रेग्नेंट थी। और ये है मेरी जिया जी की नंदोई, मेरी बहन की नंदोई की फैमिली, और ये सारे भाई। ये मेरी बहन को जब लेकर आ रहे थे तब की फ़ोटो है, देखिए। और ये उसी तरीके से चुन्नी डाल के लेकर आ रहे हैं, और गर्मी बहुत थी अप्रैल के टाइम पर, तो सभी ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए, आप देख सकते हैं, को किसी ने भी इतने मतलब मोटे कपड़े नहीं पहने हुए, सब नॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए, जीन्स शर्ट पहनी हुई है। तो ये रही मैं साथ में, और उस टाइम नव्या मेरे साथ साथ रहती थी, वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी, वो तो मेरी शादी के बाद बस थोड़ा सा दूर हो गई, वरना मैं इसको जैसे मैं दीयू को रखती हूँ, मैं जैसे सोना को रखती हूँ, मैं वैसे इसको अपने साथ साथ रखती थी। और अगेन ये वही मीरा और दीपक वाला पोज, ये सबकी एल्बम में ही होता मे बी, और ये वाले पोज भी होते ही हैं स्टेज पे जो चढ़ाते हैं ये वाले पोज। और हर लड़की का ड्रीम होता है हमारी शादी होगी हम भी ऐसे चढ़ेंगे, हमारे जो हस्बैंड है। और ये बड़ा ही फनी सा सीन क्रिएट हो गया था, मेरी बहन को भी उठा लिया था और जीजी को भी उठा लिया था, तो एक फ़नी सा सीन क्रिएट हो गया था, और बाद में डांट भी पड़ी थी, तो आराम से बिल्कुल शांति से सब पीछे हो गए,
और आराम से जयमाला हुई थी। तो ये देखिए जयमाला हो चुकी है दोनों की तरफ से। तो आधी शादी कहते हैं ना, हो जाती है जब जयमाला हो जाती है, तो वही चीज़ है। और ये देखिए मेरी बहन की सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, और तब इससे पहले इनकी एक बेटी है, और बाद में जब ये प्रेग्नेंट थी तो शादी के बाद इनके बेटा हुआ। ये सारे रिश्तेदार निधि दीदी, जीरा जी और नव्या, ये मैं। पहले मैं हंसती बहुत कम थी, सीरियस ज़्यादा रहती थी मैं, और जब हंसना शुरू करा तो फिर रोना पड़ रहा है। यहाँ से एक फ़ोटो हमने बनवाने के लिए निकाली थी और अभी तक लगाई नहीं हमने। और अगेन ये स्टेज पे जो रैंडम क्लिक्स जो लेते हैं यार, सभी शौक चढ़ता है स्टेज पे चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचवाओ, तो वही बस फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हम। शैंकी, सन्नी भाई, इन दोनों की जो आदत है बहुत मैच करती है, और ये मन्नी भाई, सनी भाई की और शैंकी की आदत बहुत मैच करती है एक दूसरे से। कुछ कुछ फोटो आप ऐसी देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही कुछ। और ये मेरी निधि दीदी की जो फैमिली है वो है, ये जीजा जी, आप लोग पहले मिल चुके हैं मेरी बहन से, मेरे बहन के हस्बैंड से, लेकिन बात नहीं करी। बात करवाऊंगी कभी आपसे। ये मेरी और मेरी बहन की फोटो, मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा था साड़ी पहनने का। ये फैमिली हमारी पूरी, मम्मी जीजू के साथ, और ये फेरों के लिए नहीं, खाने के लिए जाते टाइम की फोटो है, जो खाने के टेबल पर लेकर जा रहे थे। तो ये जीजू खिला रहे हैं मेरी बहन को खाना, और मेरी बहन खिला रही है जीजा जी को, ऐसे ही होता है यार। और ये बैठे हुए हैं, और मैं सो गई बैठे बैठे, सो ही नहीं थी, आँख बंद हो थी और क्लिक हो गई थी फोटो। ये देखिए डांस, कभी हम भी रंगीन वाले थे, जो हमारी ज़िंदगी थी रंगीन वाली थी। ये सब डांस कर रहे हैं, जो कहते हैं ना शादी जयमाला वगैरह सब काम अच्छे से निपट गए, तो भाइयों ने सब डांस शुरू कर दिया। बेचारे काम करते करते निपटाते निपटाते थक गए थे। और ये फेवरेट फ़ोटो है मेरी। किस किस को अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये पोज जो होते हैं वो है, ये एल्बम बहुत भारी है, मुझको बार बार कभी इधर करनी पड़ रही है, कभी उधर करनी पड़ रही है। बस मेरी एल्बम में यही बहुत अच्छी चीज़ है कि एल्बम टर्न नहीं करनी पड़ी मुझको। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है मेरी एल्बम में, कि उसमें दीपक है, जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी बड़े होके। और ये है मंडप, जो घर के बिल्कुल आगे ही लगा था हमारे घर के, जो आगे बहुत स्पेशियस है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक पूरी शादी हो सकती है अगर हम चाहें तो घर के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर। बट फिर भी हम बहुत अच्छी सी जगह लेके करते हैं शादी। और ये है निधि दीदी, फेरों के लिए लेकर आ रही है नेहा को। और मेरी जो सिस्टर है मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 साल के अंदर है। और ये उनकी उनकी नंद है मेरी बहन की, मांग टीका पहना रही हैं उसको, और मुकुट पहना रही हैं। और साथ ही साथ जो सिस्टर हैं गठबंधन करती हैं, वो कर रही हैं।
ये देखिए, ये कहते हैं ना हाथ पीले करना, तो ये देखिए ये है जो कहते हैं हाथ पीले करना, ये उस टाइम की फोटोज है। और ये इस तरीके से उल्टी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मुझसे गलत शूट हो गई थी, तो मैंने रोटेट करी है फ़ोटो। ये देखिए ये सब हाथ पीले कर रहे हैं ये, और एक रिवाज और है ये भी हो रहा है। और ये देखिए सब, ये मेरे मामा मामी और ये सिस्टर्स, बड़े मम्मी बड़े पापा, और बड़े मम्मी बड़े पापा ने शादी में दिया था गोल्ड का सेट, मम्मी पापा। और ये देखिए आगे की फ़ोटो, ये भी अगेन सब लोग करते हैं हमारे यहाँ जो कन्यादान होता है वो, तो सभी लोग कर रहे हैं। किस किस क्या है इस तरीके से कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ होता है जीजा जी जो दोनों साइड के होते हैं वो कुछ रिवाज करते हैं, और ये मेरा भाई फेरों के टाइम जो खील डलती है वो, और ये हो रहे हैं फेरे, मंगल फेरे। रिशैंकी को उनकी तरफ से एक पैंट शर्ट मिला था, पता नहीं क्या था मुझे याद नहीं। ये मांग भरना और ये मंगलसूत्र पहनाने का टाइम था। और अब जो है, अब है ये आशीर्वाद जो सेरेमनी है वो हो रही है, सब लोग खड़े हो गए क्योंकि शादी कंप्लीट हो चुकी है, तो सब लोग दे रहे हैं आशीर्वाद। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल पे अपना आशीर्वाद बना दीजिए, सभी लोग दे रहे हैं। देखिए ये मौसा मौसी मेरे ही, और ये हाथ में चावल ले जाके मंदिर में रखते हैं वो वाला सीन है, मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने भी किया था कुछ इस तरीके का। और ये मेरे पापा जीजू को वॉच पहनाते हुए, और ये विदाई के टाइम जो सबसे हार्ड टाइम होता है एक लड़की के लिए वो, ये देखे वो मैं हूँ पीछे, और बहुत रो रही थी मैं, और मुझको मेरी बहन के साथ ही भेज दिया था, तो हम दोनों बैठ के बहुत रो रहे थे गाड़ी में, मुझको उसको चुप कराना चाहिए था, मैं रोते रोते उसके ऊपर ही सो गई थी गाड़ी में ही। तो फाइनली सब कुछ हैप्पी है, सब खुश हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है उसकी शादी में, कोई टेंशन नहीं, रोज़ फ़ोन आते हैं उसके, तो यही सबसे बेस्ट चीज़ है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी जो सिस्टर की वेडिंग एल्बम, तो मुझको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का भी ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, लोग पानी पीते रहिएगा, बाय बाय, टाटा।